टॉप 10 न्यू मिथ इन कार फोर सेल सिमुलेटर। गाइज आज की वीडियो काफी मजेदार है बिकॉज बहुत सारे न्यू मिथ्स आ चुके हैं भाई, सारे के सारे ट्राई करेंगे और एक से बढ़कर एक मिथ्स है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिथ नंबर वन, अगर आप कोई भी कार 2000 से 3000 डॉलर तक खरीदते हो उसके बाद उसे ब्रॉक डाउन करके यानी कि 70% डैमेज देकर बेचते हो तो आप उसे 15,000 से 20,000 डॉलर तक बेच सकते हो। भाई साहब इतना ज्यादा पैसा। तो गाइस लिटरली मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जैसे ही मैं नेबरहुड में आया मुझे पहले में यहाँ पर 2000 डॉलर की कार मिल चुकी है। अब मैं इसको बार्गेन बिल्कुल नहीं करने वाला बिकॉज मिथ के अकॉर्डिंग 2000 से 3000 के बीच हमें बाय करनी है, तो ये 2000 डॉलर में मिल रही थी, मैंने इसको परचेस कर लिया है। बट अब चैलेंज ये कि इसको ब्रॉक डाउन करना है। पहले मैं आपको डैमेज दिखा देता हूँ, ओनली 12% डैमेज है। चलो इसको डैमेज करेंगे, बट उससे पहले इसमें मैं नाइट्रो लगा देता हूँ बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और इसके अंदर रेसिंग किट भी लगवा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इसे ब्रॉक डाउन कर पाए। तो भाई इसको ठोक ठोक के मैंने इसका डैमेज कर दिया है 70% के आसपास। अब लग रहा है मुझे गाइस आखिरी बार ठोकना है बस इसको और उसके बाद ये कार ब्रॉक डाउन हो जाएगी, फिर यहाँ पर असली खेल चालू होगा। चलो भाई अपनी कार अब ब्रॉक डाउन हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी नहीं चला सकता। अब इसको सेल पर लेकर जाना, लेकिन उसके लिए ऑफिस में ले जाना पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं अपनी लैम्बो से ठोक ठोक के ले जाते हैं इसको, बस एक बार और ठोकना। इस एलिवेटर पे चली जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। चलो एक बार और ठोक देते हैं इसको, क्योंकि यार एलिवेटर भी अपने ऑफिस में ही लगा हुआ है, मतलब वो एरिया मैंने परचेस कर रखा हूँ। तो बस यार ये कितना मुश्किल से लेके आया हूँ मैं इसको। चलो भाई अपनी कार ऑफिस में आ चुकी है। ओके अब मिथ ये था कि मिथ के अकॉर्डिंग हम इस कार को 15,000 से 20,000, अरे यार ये गेट भी दिमाग खराब कर रहा है, बाहर की तरफ खुलता ही है, तो 15,000 से 20,000 डॉलर में इस कार को हम बेच सकते हैं। ठीक है तो चलो मैं इसका प्राइस सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो होंडा की कार आ चुकी है। अब यहाँ पर इसका मैं प्राइस स्टार्टिंग में 20,000 डॉलर रखता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि भाई ये इस प्राइस में सेल हो पाती है या फिर नहीं। देखो गाइस मुझे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पर एक ओ भाई ये तो टेलीपोर्ट हो गई, भाई ये कार के अंदर घुस गई है। अरे भाई ये कैसा कस्टमर है। चलो कोई बात नहीं अपनी कार सेल करते हैं। तो देखो मैंने इसका प्राइस 20,000 डॉलर, लेकिन भाई ये क्या सिर्फ 2,700 डॉलर ही दे रही है। तो गाइस यार मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होने वाला है बिकॉज इतनी सस्ती कार इतनी महंगे में कैसे बिक सकती है। लेकिन गाइस ये वाली मिथ को अभी बस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज गाइस एक और ट्राई हमें करना होगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, पहले तो इस कार को रिमूव फ्रॉम सेल करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका प्राइस रखने वाला हूँ 50,000 डॉलर, 15,000 डॉलर, देखते गाइस 15,000 डॉलर में ये कार सेल हो पाती है या फिर नहीं। अब यहाँ पर इसका प्राइस तो अपन रख सकते हैं 15,000 से 20,000 डॉलर, लेकिन ये सेल होना भी चाहिए वो भी 15,000 से 20,000 डॉलर में। अब देखो ये भी सिर्फ 3,500 डॉलर ही दे रहा है, तो यहाँ पर मिथ के अकॉर्डिंग 15,000 से 20,000 डॉलर में कार को सेल करना था जो कि हम नहीं कर पा रहे, तो ये वाला मिथ बस्ट है। ओके मिथ नंबर टू, भाई हाउस के ऊपर बेडरूम्स है। आई थिंक अपना जो हाउस है नेबरहुड में उसके ऊपर बेडरूम्स की बात की जा रही है, चलो चेकआउट करते हैं। ओके गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने नेबरहुड वाले हाउस में। अब कार को मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया ताकि कैमरा ऊपर करके घर के अंदर झांक सके, तो चलो अब अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तो मुझे नीचे वाले रूम ही दिख रहे हैं जहाँ पर अपना गेम सेव कर सकते हैं, लेकिन ऊपर मुझे कोई भी बेडरूम वगैरह तो नहीं दिख रहा है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया गाइज, आप भी देख लो यहाँ पर कोई भी बेडरूम नहीं है, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर थ्री, अगर आप नेबरहुड में किसी के घर को गाड़ी से जूम करके देखोगे तो आपको घर के अंदर दिखेगा और आप घर के अंदर भी जा सकते हो। तो गाइस नेबरहुड में मुझे सबसे तगड़ा हाउस ये वाला लगता है बिकॉज ये 3-story हाउस है और इसके अंदर भी हम जा नहीं सकते, तो देखते भाई ये अंदर से कितना ज्यादा बड़ा घर है। तो सामने से देखने पर तो 3-story लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये सिंगल स्टोरी हो पूरा, चलो चेकआउट कर लेते हैं। तो कार मैंने कुछ इस टाइप से लगा दी है और ये रहा सबसे ऊपर का कमरा, लेकिन इसका एक भी दरवाजा नहीं है, और ये रहा गाइस फर्स्ट फ्लोर, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता है ऊपर नीचे जाने का और इसके नीचे का ग्राउंड फ्लोर। भाई यहाँ पर देखो 3-story है वाकई में और ये काफी बड़ा घर है, और जहां तक मुझे लगता है पूरे नेबरहुड में सबसे बड़ा घर यही वाला है जो कि आपको एकदम सीधी रोड पर बस स्टैंड के सामने ही देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर 2-3 कमरे भी है यार। अब चलो गाइस चेकआउट कर लेते हैं कि भाई इस घर के अंदर हम जा सकते हैं या फिर नहीं। ओके मैं घर के अंदर आ गया, एग्जिट करते ही घर के अंदर आ गया भाई, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं स्टक हो चुका हूँ, ना तो मैं आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, बिल्कुल फंस चुका हूँ यहाँ पर। अब भले ही गाइज यहाँ पर हम स्टक हो चुके हैं, लेकिन मिथ के अकॉर्डिंग ये वाली मिथ कंफर्म्ड है। मिथ नंबर फोर, अगर आप कोई भी कार 3 दिन तक सेल पे नहीं लगाओगे तो कार्स का बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा और टोटल बिल भी अंडर 1,000 डॉलर ही आएगा।
तो फिलहाल के लिए गाइज मेरे पास ऑफिस में ओनली 2 कार्स हैं, एक तो ये लैम्बोर्गिनी और दूसरी ये ऑडी R8। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही सेल पे बिल्कुल नहीं लगाया है। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर के अंदर भी चेकआउट करा देता हूँ कि भाई मैंने दोनों कार को सेल पे नहीं लगाया है। और यहाँ पर ये एक और कार है मर्सिडीज, जो कि भाई पता नहीं कहाँ पर खो गई है, मिल भी नहीं रही मुझे। चलो इसको छोड़ते हैं। तो मिथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कोई भी कार को सेल पे नहीं लगाया। इसके अलावा मेरा कोई भी बिल बाकी नहीं है, मैंने सारे बिल्स पे कर दिए हैं। तो मिथ के अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम 3 दिन तक कोई भी कार को सेल पे नहीं लगाएंगे तो बिल नहीं आएगा कार्स का, ठीक है, और टोटल बिल भी 1000 के अंदर आएगा। तो मैंने 1 दिन यहाँ पर वेस्ट कर दिया है और ये दूसरा दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया आपके सामने, और ये रहा गाइस 3रा दिन। चलो भाई 3 दिन मैंने वेस्ट कर दिया, अब जल्दी से चलते हैं ऑफिस में और देखते हैं भाई हमारे कार्स का बिल आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अनपेड बिल लिखा तो आ चुका है, लेकिन कार्स का बिल आया फिर नहीं, ये चेकआउट कर लेते हैं जल्दी से। अरे गाइज यहाँ पर कार्स का बिल आया है भाई, ये देखो $113। और जो टोटल बिल है वो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिथ के अकॉर्डिंग कार्स का बिल नहीं आना था लेकिन आ चुका है कार्स का बिल, तो ये वाली मिथ बस्ट है। अब गाइस जो नेक्स्ट मिथ है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर लिखा है ओडी R8 में नाइट्रोज नहीं डलता है, लेकिन ड्रैग रेस में आप नाइट्रोज को यूज कर सकते हो, डलता नहीं है फिर भी यूज कर सकते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। तो अभी मैं आ चुका गाइस ऑटो ट्यूनिंग में और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओडी R8 के अंदर कोई भी नाइट्रोज नहीं लगता, ये फीचर ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर रेसिंग किट जरूर लगाया है। चलो भाई अब ड्रैग रेस में चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आप नाइट्रोज को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं ओडी R8 की रेस करवाने वाला हूँ लॉर्ड मस्टैंग से, और मुझे नहीं पता कौन सी कार रेस विन करने वाली है, लेकिन मेरी कार में नाइट्रोज लगते हैं या फिर नहीं देखते हैं। नहीं लग रहे भाई नाइट्रोज, भाई मैं ओनली गियर अप कर पा रहा हूं, यहां पर कोई भी नाइट्रोज नहीं लग रहे, मस्टैंग ने लगा दिए भाई। अरे यार ये जीत गई कार, भाई मैं तो हार गया यार, कोई भी नाइट्रोज नहीं लगे हैं। चलो एक बार और ट्राई करते हैं दूसरी रेस में, ये मर्सिडीज के सामने देखते भाई अपनी कार तो जीत ही जाएगी आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है नाइट्रोज नहीं लग रहे, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं गाइस। भाई वो देखो नाइट्रोज लगा के आगे जा रहा है वो, अरे यार फिर से जीत जाएगा वो, बिना नाइट्रोज कैसे जीत सकते हैं भाई। तो यार अभी आपको लग रहा होगा मैं बटन सही नहीं दबा रहा हूँ नाइट्रोज का, ये देखो लैम्बोर्गिनी चला के दिखा रहा हूँ, इसमें नाइट्रोज लगते हैं भाई, ये देखो, तो आपको यकीन हो गया होगा। तो इस हिसाब से गाइस ये वाली मिथ बस्ट है। ओके गाइस अपना नेक्स्ट मिथ काफी डरावना है। तो यहाँ पर भाई ने लिखा है कि मंडे को रेड बार के जो साइड में कबर है ना उसके ऊपर रात के टाइम कुछ अजीब से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो भाई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाके देखते हैं भाई क्या होता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रेड बार में, बट एक्चुअल में वो कबर जो है रेड बार के पास नहीं है बल्कि ड्रैग रेस के पास में है। चलो कोई बात नहीं यार, गलती सबसे होती है। तो यहाँ पर अभी नाइट भी हो चुकी है और मंडे के दिन ही गाइस यहाँ पर मैं कवर पे आया हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग से मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है, बाकी यहाँ पर बहुत अंधेरा था। तो मिथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अजीब से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी अजीब सा एक भी पार्टिकल नहीं दिख रहा है। और इवन मैंने यहाँ पर है ना लाइट जलाकर भी देखी थी कार्स की, ताकि मुझे इजीली कोई पार्टिकल्स दिख जाए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा और मैंने काफी वेट भी किया था। तो इस हिसाब से ये वाली मिथ बस्ट है। अब गाइस ये वाली जो मिथ है ना ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो भाई ने लिखा कि फॉरेस्ट में जाकर अगर आप ओडी R8 की स्पीड चेक करोगे तो पूरी नहीं होगी, लेकिन डेजर्ट में जाके करोगे तो पूरी हो जाएगी। चलो भाई जल्दी से ट्राई करते हैं। तो अभी हमने गाड़ी को चढ़ा दी है ट्रक के ऊपर, अब जल्दी से चलते हैं, पहले डेजर्ट में चलेंगे और देखते हैं भाई कि यहाँ पर स्पीड पूरी हो पाती है या फिर नहीं। अब गाइस जिनको मिथ समझ में नहीं आया मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो मिथ के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम सिर्फ डेजर्ट में ही अचीव कर सकते हैं, अगर हम फॉरेस्ट में करेंगे यहाँ पर स्पीड चेक तो फॉरेस्ट पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ मिथ का कहना है, लेकिन चलो ट्राई करके देख लेते हैं तभी हमें पता चलेगा। तो अभी मैं आपके सामने डेजर्ट में ओडी R8 चला रहा हूं और इसकी जो स्पीड अभी 200 क्रॉस हो चुकी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड मेरे ख्याल से 300 से पार है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं गियर भी लगा रहा हूँ आप देख सकते हो। चलो यहाँ पर पहला रैंप अपना आ चुका है, रैंप तो एक ही होता है वैसे, इसमें बस जाली आने तक का वेट है, जाली आने के बाद हम उससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अपनी स्पीड भी लगभग 300 के पास जाने वाली है, 280 हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है यार, कसम से बहुत ज्यादा तेज है। ओके गाइज 300 हो चुके हैं भाई और स्पीड काफी तेजी से बढ़ रही है, जाली आ गई सामने भाई साहब। तो यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बना है 307 किलोमीटर का। चलो गाइज अब चलते हैं फॉरेस्ट में। तो मिथ के अकॉर्डिंग बोला ये गया था कि फॉरेस्ट में आप पूरी स्पीड माप नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में भाई ये क्या बात हुई यार, 150 किलोमीटर अभी से ही अचीव कर लिए इसने, अभी तो बस स्टार्टिंग है। तो पता नहीं गाइज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कार मतलब 300 किलोमीटर यानी कि 307 किलोमीटर से ऊपर चली जाएगी,
जो कि अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड था। मुझे नहीं पता गाइस क्या होने वाला है, मैं गियर भी एकदम परफेक्ट लगा रहा हूँ। भाई यहाँ पर 250 किलोमीटर के पास पहुँच चुके हैं और ये क्रॉस भी हो गया। भाई अभी मैं जंप से टकरा जाता यार, मुझे लग रहा है गाइस ये क्रॉस हो जाएगी इजीली और ये मिथ बस्ट होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है ये मिथ बस्ट होने वाला है, लेकिन अगर जाली पहले ही आ गई तो भाई ये कार यहीं पर रुक जाएगी। और यहाँ पर ये कार 300 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है गाइस, और जाली 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 अभी तक नहीं आई है, अब आई है गाइस। लेकिन भाई ये क्या 314 किलोमीटर गाइस रिकॉर्ड तोड़ दिया है डेजर्ट का, तो मतलब फॉरेस्ट एंड डेजर्ट की जो लेंथ है बिल्कुल सेम है और ये वाली मिथ बस्ट है। नेक्स्ट मिथ, गैस स्टेशन पे जाओ और पेट्रोल पंप के साथ में रेस्ट रूम है उसके अंदर कार से देखो। तो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर और पता नहीं मुझे इस रेस्ट रूम के अंदर क्या होने वाला है। अगर ये खाली हुआ ना तो मिथ को बस्ट कर दूंगा। तो चलो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। कार को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, तो चलो गाइस पहले यहाँ पर एग्जिट मार के देखते हैं कि भाई इसके अंदर हम जा सकते नहीं, इसके अंदर तो नहीं जा सकते। तो मैंने काफी ट्राई किया था वैसे, नहीं जा पाया मैं अंदर। चलो भैया कैमरे से ही चेक कर लेते हैं और इसके अंदर ये क्या है। अरे भाई साहब ये टॉयलेट है अंदर, भाई नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग है यार गेम के अंदर। ये देखो टॉयलेट है, ये क्या है यहाँ पर। अच्छा ये दीवार भी, मतलब भाई साहब रेस्ट रूम के अंदर से दीवार निकाल दी इन्होंने। भाई यहाँ पर देखो कितनी मस्त डिटेलिंग करी यार, टॉयलेट वगैरह भी ऐड करे हैं और 5 से 6 टॉयलेट इसके अंदर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 टॉयलेट है यार। तो ये वाली मिथ कन्फर्म्ड है। ओके नेक्स्ट मिथ, पहले एक गाड़ी को नंबर 1 रिपेयरिंग पे लगाओ और जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगी उसके बाद दूसरी रिपेयरिंग पे डाल दो तो आपकी जो गाड़ी है जमीन के अंदर चली जाएगी। भाई यार ये सबसे खतरनाक चीज लग रही है भाई, ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं। चलो चेक करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ऑटो रिपेयरिंग में और मिथ के अकॉर्डिंग हमें बोला गया था कि कार को पहले फर्स्ट रिपेयरिंग पे डालना है, तो मैंने फर्स्ट रिपेयरिंग पे डाल दी है। तो अब हमें करना क्या है कि इसको रिपेयर करवाना है सबसे पहले, तो ठीक है। और रिपेयर खत्म होने से पहले यानी कि जब ये नीचे उतरती रहेगी उसके बाद इस गाड़ी को हमें सेकेंड वाले रिपेयर सेक्शन पर डाल देना है, फिर मैजिक होने वाला है, देखते भाई। तो अपनी गाड़ी रिपेयर हो चुकी जल्दी से, भाई ऑप्शन ही नहीं आ रहे यार, ये पहले भी हुआ था, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अब आया देखो। और ये कार वाला सेक्शन भी ब्लॉक पड़ा है, लेकिन यहाँ पर पहले कोई ऑप्शन ही नहीं आया। मिथ के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन आना था तभी तो हम यहाँ पर सेकेंड रिपेयरिंग पर डाल पाते, तो ये वाली मिथ बस्ट है। ओके गाइस अपना लास्ट मिथ है कि अगर आप जो भी कार ऑक्शन से परचेस कर लेते हो या फिर विन कर लेते हो तो उस कार को आप टो नहीं कर सकते। तो गाइस अभी हम सक्सेसफुली आ चुके हैं ऑक्शन में और यहाँ पर मैंने टिकट अच्छा ऑलरेडी परचेस कर लिया। चलो यहाँ पर ऑक्शन में बैठ जाते हैं और यहाँ पर अभी कार बहुत सारी आएंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी सारी कार को परचेस कर लेता हूँ। अब ये मेरी लास्ट कार थी और मैंने चारों कार को एक साथ परचेस कर लिया है, ठीक है। तो चारों कार अपनी यहाँ पर आ चुकी है, अब देखते हैं भाई इस कार को हम टो कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर कार का ऑप्शन तो आ रहा है और टो करने का भी ऑप्शन आ रहा है, और ये टो भी हो गई भाई, ये सेकंड भी हो गई और ये थर्ड वाली को भी आई थिंक मैं कर सकता हूँ, और ये फोर्थ कार को मैं भेज देता हूँ रिपेयरिंग में। तो लगभग भाई चारों कार अपनी टो हो चुकी है और यहाँ पर ऑप्शन पूरा खाली कर दिया, और देख सकते हो सक्सेसफुली ऑफिस में भी आ चुकी है और एक वो रही सामने। तो भाई ये वाला मिथ जो है सक्सेसफुली बस्ट हो चुका है। तो गाइस मुझे पता है कि आज यार कंफर्म से ज्यादा मिथ बस्ट हुए हैं, लेकिन आप भी काफी सारे मिथ्स या फिर ग्लिचेस कमेंट कर सकते हो ताकि अगली वीडियो में ट्राई कर पाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।